हरियाणा में बहुमत के आंकड़े से दूर रही भाजपा सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। चुनाव परिणामों में उसे 40 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 है। भाजपा को गोपाल कांडा समेत 7 निर्दलीय विधायकों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक खट्टर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक में शामिल होंगे। इसमें प्रदेश प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा करेगा। कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर शाम तक अकेले शपथ ले सकते हैं, बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में होगा। हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस को 31, जजपा को 10 और अन्य को 9 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं फडणवीस। महाराष्ट्र में 56 सीटें हासिल करने के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा को 50 घंटे 50 मिनट फॉर्मूला याद दिलाया है। पार्टी भाजपा पर शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उद्धव ने दोपहर को शिवसेना के विधायकों की बैठक बुलाई है। दूसरी ओर भाजपा सूत्रों ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों में से भाजपा ने 105 सीटों पर जीत दर्ज की। शरद पवार की पार्टी राकांपा को 54, कांग्रेस को 44 और अन्य को 28 सीटें मिली हैं।